लाहौटी है, ये मेरे पूरा सखिया ग्रुप है, मेरी पूरी सखिया ग्रुप है। जय भारत जय राजस्थान, हम लोग सारे राजस्थान वासी यहाँ इकट्ठे होते हैं। ये हमारा सबसे प्रसिद्ध महिलाओं का त्यौहार है गणगौर। ये गणगौर हम सुहागिने मनाती है, लड़कियाँ अपने अच्छे घर और वर के लिए पूजने के लिए ये त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाती है। 16 दिन इस व्रत पूजन किया जाता है। ये होली के दूसरे दिन से शुरू होता है, जो अपने चैत नवरात्र चतुर्थी तक चलता है ये प्रोग्राम हमारा गणगौर। इसमें लड़कियां सुबह उठ के गणगौर माता के लिए धूप लेने जाती है, पुष्प लेके आती है, आके फिर माता के रोली मोली सबसे पूजा करती है, गणगौर पूजती है, फिर गीत गाती है। फिर इसके बाद हम लोग सारी सखियां मिलके घर 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 में इनकी पूजा करते हैं, गीत गाते हैं, बड़े धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। ये माँ गौरी और माता पार्वती इसके लिए सुहाग की आशीष के लिए सब सुहागिने इसको बहुत धूमधाम से मनाती है। ये शिव भगवान है जो ईश्वर जी का रूप है, इनको हम भोलेनाथ का रूप है ये। और ये माँ गौरी है जो माँ पार्वती है, ये 16 दिन मायके आती है माँ गौरी अपने पति के साथ में, यानी भोलेनाथ के साथ में। और 16 दिन मायके रहती है तो साथ में अपने ईश्वर जी को भी साथ में लाती है। और ये 30 मतलब चैत शुक्ल जो चतुर्थी होती है, इस दिन माँ को भोग लगाते हैं। माँ का भोग होता है ढोकला, जो हमारे राजस्थान का प्रसिद्ध बाजरा, उसे हम उसका भोग फल बनाते हैं, उनको भोग लगाते हैं। जय भारत जय गणगौर जय राजस्थान। ये हमारे प्राचीन राजा महाराजाओं से चली आ रही है, ये राजा महाराजाओं से चली आ रही है, हमारे दर पीढ़ियां हम लोग माता की पूजा करते आए हैं। ये सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है राजस्थान का गणगौर। बोल गणगौर माता की जय। मेरा नाम लालजी है, लालजी जोशी, राजस्थान से हम बिलोंग करते हैं। यहाँ पंजाब लुधियाना आई हुआ 22 साल हो गए, 22 साल से हम ये गणगौर का प्रोग्राम हम हर साल मनाते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर भी ये देखो पंजाब लुधियाना आने के बाद में जब बच्चे जवान होते हैं, बच्चों के साथ में ये काम भी शुरू करना चाहते हैं, यानी 22 साल हो गए, 22 साल से हम ये गणगौर का प्रोग्राम यहाँ पर मनाए जा रहे हैं। ये अलग अलग स्टेट में जहाँ जहाँ मारवाड़ी वहाँ विराजमान है, तो वहीं यही प्रोग्राम मनाने जाते हैं गणगौर। ये होली के दूसरे होलिका दहन के बाद में माँ की जो भिक्षा होती है, रख होती है रक्षा की, उसके साथ भी पिंडिया बना के गणगौर की पूजा करते हैं। तो गणगौर की जो कुमारी कन्या होती है अपने वर वधू के लिए, अपने परिवार के लिए, सुख शांति के लिए, उनके लिए पूजा करते हैं। और सुबह अपने गार्डन से पार्क से धूप लगे, धूप से इनकी गणगौर की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद में ये प्रोग्राम चलता रहता है, और यह प्रोग्राम करने में हर घर घर में अपना बंदवाड़ा सखियाँ वो निकालते हैं। भी कटनी में ये 16 दिन तक कटनी चलती है जी। अपन बासुरा ढोकला पूजा करने के बाद में, बासुरा पूजने के बाद में ये प्रोग्राम शुरू हो जाता है। अलग अलग घरों के अंदर में अलग ये पंडाल लगाते हैं, जिसमें कीर्तन भजन कीर्तन ये करीबन 2 से 2.5 घंटे का प्रोग्राम का होता है। एक एक दिन में आप दो दो तीन तीन घरों में अलग अलग फंक्शन करते हैं। एक 16 दिन चलता है कटनी, 16 दिन कंटिन्यू ये प्रोग्राम चलता है। ये आज करीबन 3 दिन और रह गए, 3 दिन हो गए, नवरात्रा के तीसरा नवरात्र कोई संपन्न हो जाता है, उस समय ये गणगौर माता जो अपने अपने ससुराल चली जाती है। निश्चित जो पार्वती का रूप है शिव परिवार के साथ में होती है, अपने परिवार अपने ससुराल चली जाती है। ये ओनली मारवाड़ी समाज है, जहाँ तक गुजरात हो गया, मारवाड़ी हो गया, जहाँ भी राजस्थान पंजाब परिवार प्यार में जहाँ विराजमान है, वो सभी ये त्यौहार मनाते हैं। इसी वजह जय गणगौर।